ओम शांति। आज की तारीख है 6/12/2022। आज बाबा की मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक बरसा मिल नहीं सकता। बाप का राज, शिव बाबा के बारे में सबको बाबा कहते हैं कहानी मिसल सुनाओ, कहानी की तरह सुनाओ। जब तक बाबा को पहचान कर पावन नहीं बनते, तब तक उनसे बरसा मिल नहीं सकता। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा है, लेकिन शिव बाबा क्या कहता है, मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना, पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसीलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार होता जाता है। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसीलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं, गॉड फादर भी कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति, किसके प्रति कहेंगे अब निराकार भगवानुवाच? माना हम निराकार आत्माओं के प्रति, निराकार बच्चों के प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वर वाच ये अक्षर शोभता नहीं है, निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल ना सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखें तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे अरे भगवान इतना छोटा सा कैसे हो सकता है। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, अगर बाप को जान जाएं तो रचना को भी जान जाएं। जैसे हम आत्मा छोटा सा बिंदी स्वरूप है, दिखाई नहीं पड़ता, इन आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता, ऐसे ही हमारा परमात्मा भी, हमारा पिता भी तो हमारे जैसा है ना, निराकार। तो बाबा के अगर जान जाएं तो रचना को भी जान जाएं, परंतु ना जानना ही उनका ड्रामा में नूंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दें। बाप कहते हैं जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ, पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूछते हैं, तुम बच्चों को समझाना है। जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको ज्ञान दो, कभी कोई दे नहीं सकते। अब बाबा को ना पहचानने की, यथार्थ रूप से ना पहचानने के कारण, सही रूप से ना पहचानने के कारण कोई बाबा के बारे में बता नहीं सकते, वर्षा भी ना दे सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम और ये कलयुग है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है, नई दुनिया अब पुरानी हो गई है, फिर नई बन जाएगी। अब हमारी जो सतयुगी नई दुनिया थी तो अब पुरानी हो गई है, बाबा कहें फिर वह नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य बहुत कम चाहिए, सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म हैं और दुख भी बहुत हैं। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है, ये खेल बना बनाया हुआ है। अब दुख कौन देते हैं ये किसको पता नहीं। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता, दुनिया वाले क्या कहते हैं धन ही माया है, तो बाबा क्या कहते हैं रावण को माया कहा जाता है। रावण माना पांच विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसको रावण कहते हैं और इसी को माया कहा जाता है।
विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पन्ने का नशा। यहाँ पवित्र अपवित्र कोई होते नहीं। सतयुग में तो बाबा कहते हैं देवता तो निर्विकारी होते हैं, वहाँ कोई अपवित्र तो होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। रचता तो बाप ही है, वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही है प्रजापिता, तो जरूर इतने बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को अडॉप्ट करते हैं। सन्यासी होते हैं ना कोई, तो उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं, माना उनको कितने मानने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं हम इससे जुड़े हुए हैं, हम इन गुरु से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे गुरुओं से कितने जुड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा के को हम जरूर इतने बच्चों को अडॉप्ट किया होगा। बाबा ने हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया। पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, भल बाबा हमने आपको देखा नहीं क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को देखा नहीं और लेकिन बाबा का टच उनको होता है, माना बाबा को उनको कहीं ना कहीं से बाबा के द्वारा वो बाबा से शिव बाबा के से जुड़ जाती हैं, किसी सेंटर के थ्रू या किसी भी आत्मा के थ्रू शिव बाबा से जुड़ गई। तो बाबा कहते हैं उनको टच हो जाता है, तो वो कहती हैं बाबा भल मैं बंधन में हूँ पर मैं हूँ आपकी। पवित्र तो ज़रूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, जो पवित्र पतित आत्माएं हैं तो बाबा कहते हैं वे मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित आत्माएं पुकारती हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डायनेस्टी चली गई होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? अब तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में एक धर्म था, अब तो वह देवता धर्म हमारा है नहीं, तो ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? इसका समय भी अब पूरा हुआ। वह सतयुग को लाखों वर्ष का कह देते हैं, महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों का युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं का। आसुरी दुनिया के बाद फिर दैवी दुनिया है, इस कलयुगी आसुरी दुनिया के बाद फिर हमारी दैवी दुनिया स्थापन हो रही है। वह पतित यह पावन, तो पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह हैं सतयुग में। अब देवता तो सतयुग में है, तो असुर देवता की लड़ाई की कोई दरकार ही नहीं। यह कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक हैं, असुर हिंसक होते हैं, देवताएं भला नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुखधाम है। अब सतयुग में तो बाबा कहते सुखी सुख है, तो वहाँ तो याद नहीं करते शिव बाबा को, तो याद नहीं करते उस निराकार, तो वहाँ पे तो जो पिता है वो अपने शरीर का पिता है। बाबा कहते इसीलिए दो बाप कह के समझाना चाहिए, एक तुम्हारा लौकिक पिता जो तुम्हारे शरीर का पिता है, और एक पिता हम आत्माओं का पिता जो हमारा निराकार शिव बाबा है। तो बाबा कहे वहाँ तो याद करते नहीं है दूसरे शिव बाबा को, बेहद के बाप को।
द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में ही है, जिसमें दैवी संस्कार नहीं वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में, उनमें गुण हैं हमारे में नहीं। पूज सो पुजारी तुम ही, पूज सो देवता थे फिर तुम ही पुजारी बन गए। अब तुम सत्ययुग में देवता थे तो बाबा कहते अब तुम ही पुजारी बने। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज आधा कल्प पुजारी। सत्ययुग त्रेता पूज और द्वापर कलयुग पुजारी। हिसाब समझाना पड़े देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं बीके हैं। इस समय हमको तीन बाप हो जाते हैं, पहला लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, और तीसरा हमारा ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ये भी हमारा बाप है जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। अब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार शिव बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ अपने धाम शांति धाम से, जहाँ से तुम आत्माएं आई वहाँ वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं। ये पॉइंट भी नोट करने चाहिए, फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बीके दादे से बरसा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना ये भी एक नॉलेज है। अब हम आत्माएं मनुष्य से देवता बन रही हैं तो बाबा कहते हैं ये भी एक नॉलेज है। नॉलेज मिलती कब है हमको, ये ज्ञान कब मिलता है, संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में बरसा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने, ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं, रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला कह नहीं सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसीलिए रुद्र माला पूजी जाती है। ये सब हैं नई नई बातें, ये बातें कोई बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष की कह देते हैं दुनिया वाले, इसीलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं कि ज्ञान ही बिल्कुल नया है। नई दुनिया के लिए नई चीज़ मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है, वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजार सूरज से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नई होने के कारण मनुष्य मूंझते रहते हैं। जो यहाँ के होंगे उन्हीं की सैम्पलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो,
सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अब तुम द्वापर से लेके अब कलयुग तक माना तुमने आधा कल्प से उन्हीं पिता को याद करते आए हो, उन मनुष्यों को बताना चाहिए। सुख देने वाला जो बाबा है वो सुख देने वाला है तो उसको याद करना करते हैं। रावण तो सबका दुश्मन है तब तो उसको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, तो बोलेंगे अनादि। उन्हों को ये मालूम नहीं कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं, माना पांच विकार होते नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज़ है? बस विकार है। अब बाबा पूछते हैं रावण क्या है? विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है, नहीं, रावण पांच विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही पांच विकार हैं जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर सुख में ले जाएंगे। वही है पतित पावन। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ये भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हैं वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ, भागीरथ कहते हैं, पानी की कोई बात नहीं। यह है सारी ज्ञान की बात। श्री ब्रह्मा बाबा हैं भगवान का रथ, तो उस रथ में परमात्मा आते हैं। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखा है, इनको एडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो ये बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। अब शिव बाबा इस रथ के साथ माना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो बाबा के बाबा माना दिल्ली गया, कानपुर गया, तो बुद्धि में किसकी याद रहे? ब्रह्मा बाबा को नहीं देखो, शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है, तुम मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग। तुम आत्माएं भी शांति धाम में परमात्मा शिव बाबा के साथ रहती थी। यह बातें बुद्धि में बैठानी है, एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते, भक्ति में भी एकांत करते हैं। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके समझाओ। ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाबा का परिचय देना है श्री बाबा का, कि बाप पतित पावन हैं, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, तो कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो, बाबा के इस ज्ञान का सिमरण करते रहो, मित्र संबंधियों को भी समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात तो है नहीं। कल्प कल से बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था फिर से बनेगा, पहले भारत स्वर्ग था तो बाबा कहते हैं फिर से बनेगा। ये सारा चक्र सृष्टि का
फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं, इतनी आदमशुमारी कहाँ, फिर तो अनगिनत हो जाए। तो चार युग है ना, तो बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं सतयुग लाखों वर्ष का है, चार युग हैं। अब बाबा यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, हर एक युग की आयु कितनी है, 1250 वर्ष का प्रत्येक युग है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि होती रहेगी, कभी ग्रहचारी बैठती है फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है, अल्फ और बे, बाबा और बादशाही। मूल बात है याद की यात्रा, मानो शिव बाबा को याद करते रहो, इसमें ही मेहनत है। कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त, यह मुश्किल सब्जेक्ट भी है। बार बार बाबा की याद भूल जाते हैं, बच्चे कहते हैं ना बाबा बार बार याद भूल जाती हैं। अल्फ को याद करना अल्फ को ही भूले हो, भगवान को कोई जानते नहीं। गाया भी जाता है, सतगुरु के बगैर घोर अंधेरा होता है, सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, माना चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाबा की याद में रहना है। एकांत में पढ़ाई करनी है, क्योंकि बाबा का ज्ञान जब आप एकांत में सुनेंगे तो बहुत अच्छी रीति उसको धारण कर पाएंगे। दूसरा, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति माना शांति धाम जहाँ से महात्माएँ आए थे, और जीवन मुक्ति सतयुग का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। ये बाबा की श्रीमत है, आज्ञा है, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक बाबा के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकेंगे। तो पवित्र जरूर बनना है, बिना पवित्र बने ये वर्षा मिल ना सके। वरदान है आज की मुरली से, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर वन विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है, इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल बा कर्म व्यर्थ है, तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर वन विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। माया कई स्वरूपों में आपके सामने आती है, तो बाबा कहते हैं माया के स्वरूपों को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन है आज की मुरली से, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं हैं। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पद्म भाग्यवान हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की थी और अब भी मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। ओम शांति।